जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 9 तक का कंप्लीट हो चुका है, यानी दोस्तों आज चैप्टर 10 द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो का हल, वो भी दोस्तों किससे, गुणनखंड विधि से। दोस्तों ध्यान समझिए, चैप्टर कौन सा दोस्तों है, 10th चैप्टर 10, क्या नाम इसका दोस्तों अभी लिखवाते हैं, जिसका लेक्चर दोस्तों कौन सा है, पहला चैप्टर 10 का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है, पहला चैप्टर 10 का दोस्तों क्या नाम, ध्यान समझिए, द्विघात समीकरण ब्रैकेट में दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या इसे लिख का हल, या इसे लिख लीजिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का हल ब्रैकेट में किससे दोस्तों, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ठीक है, क्या द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का हल गुणनखंड विधि से, समझ गए दोस्तों। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में गुणनखंड पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से भी दोस्तों आपका 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक और कभी कभार 4 नंबर तक का भी चैप्टर से पूछ लिया जाता है, इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों 4 नंबर तक के भी आने की संभावना होती है, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का हल, वो भी दोस्तों किससे, गुणनखंड विधि से। दोस्तों ध्यान समझिए, सीधे प्रश्न लेते हैं और दोस्तों उस पर चर्चा करते हैं। फैक्टर यदि आपको नहीं आते होंगे दोस्तों तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, बस ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रश्न दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो के गुणनखंड कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो के गुणनखंड कीजिए। क्या करना हमें, फैक्टर करना, कैसे करेंगे, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। देखिए ये इसी फॉर्म का है कि नहीं, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का ही फॉर्म का तो है, ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए क्या यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशियंट है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, ठीक है, यहां देखिए x का गुणांक कितना दोस्तों b, यहां x का गुणांक दोस्तों कितना माइनस का 5, यहां c कितना है कांस्टेंट है, तो यहां 6 भी कांस्टेंट है। दोस्तों ध्यान समझिए इसके फैक्टर कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पहले देख लीजिए तभी नोट करिएगा। दोस्तों हमेशा आपकी जो हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें हमेशा a और c की मल्टीप्लाई होगी, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए यहां a कितना दोस्तों हमारा 6 है, नहीं सॉरी c कितना 6 है और a कितना 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर का गुणा कितना a, यहां x स्क्वायर का गुणा कितना 1, तो यहां 1 है यहां 6 है, यहां 1 है यहां 6, तो 1 की मल्टीप्लाई दोस्तों 6 से करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, क्या हमने कहा a * c कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं तुरंत वहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, क्या जो पहले a इंटू सी कर लेंगे और का a यानी कि 1 और c इंटू कितना 6, तो 1 इंटू 6 6 हो गया और मल्टीप्लाई का साइन लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों x का गुणांक देखना है, सिर्फ साइन से मतलब नहीं है, साइन नहीं, यहां माइनस प्लस उससे क्या लेना था हमसे कोई मतलब नहीं, x का गुणांक सिर्फ क्या देखिए नंबर है कौन सा है, तो 5 है तो यहां 5 लिख लेंगे, क्या लिखना है जो x का गुणांक यानी b उसको लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बराबर लगाएंगे, अब अगला स्टेप समझिए, जो अचर है मतलब जो सी है, जो अचर यानी कि जो कांस्टेंट होगा, जैसे जो नंबर यहां पर लिखा होगा उस नंबर के पहले काहे का
साइन है, प्लस का है कि माइनस का? यदि प्लस का होगा तो बराबर लगाने के बाद यहां पर हम दोस्तों प्लस लगाएंगे, और यदि माइनस का होगा तो माइनस लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गया। दोबारा से इस स्टेप को समझिए ध्यान से, बस यही समझना, बाकी सेटल हो जाएंगे। क्या करना है, यहां a होता है, देखिए ये a लिखा तो यहां a होता है, ये हमारा c होता है, a इंटू c की मल्टीप्लाई करनी है, तो a की और a यहां 1 है और c कितना है 6 है, तो 1 इंटू 6 6 हो गया, फिर तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगाना, हमेशा यहां गुणाई का ही चिन्ह लगेगा। उसके बाद x का जो गुणांक हो कोफिशियंट है उसको साइन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नंबर लिख लेना है। उसके बाद जो 6 के पहले जो चिन्ह लगा है, प्लस का लगा होगा तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का लगा होगा तो माइनस का लगाएंगे। क्लियर हो गई बात, आप ध्यान से समझिए भैया। अब यहां 6, अब दोस्तों जो 6 है जो ऊपर वाला नंबर, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यदि हम गुणा करें तो 6 आ जाए, और उन्हीं गुणनखंड को जोड़े तो 5 आ जाए। इस साइन का मतलब क्या है, गुणा प्लस मतलब क्या है, जो गुणे जिसमें गुणा लगा होगा उसका क्या करें, हम ऐसे फैक्टर करें यदि हम गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़े तो 5 आ जाए, तो 3 × 2 = 6 होता है। कितना होता है 3 × 2 = 6, यदि हम 3 यहां लिख लें 3 और 2, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। ये दोस्तों आपको मन में करना है, मैं समझाने के लिए इसे और मैंने लिख दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं, पर जब तक आपको नहीं आ रहे फैक्टर तब तक आप करिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, अब इस 5 की जगह पर लिखेंगे 3 + 2 x और प्लस 6 = 0 हो गया, ठीक है, सिर्फ इस 5 की जगह पर 3 + 2 लिखना है। अब ध्यान समझिए, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एक्स यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 3 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कितना 2x और प्लस का 6 = 0 हो गया, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, इसके बाद पहले दो स्टेप और लास्ट के दो स्टेप में कॉमन लेंगे, ध्यान समझिए। तो यहां कॉमन क्या मिलेगा भैया, कॉमन क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां भी x यहां भी x, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो जो कॉमन लिया जाता है उससे उसको भाग किया जाता है, तो x स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एक ही x बचेगा, या कह दें जो कॉमन लेते हैं उसमें से निकाल लेते हैं, निकालने का मतलब भाग ही करना तो होता है। अब देखिए 3x में से x जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3, और फिर माइनस देखिए यहां कॉमन क्या, माइनस का 2 मिलेगा, तो 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा, और यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से कॉमन है, देखिए यहां भी x माइनस 3 यहां भी x माइनस 3, तो फिर से कॉमन ले लेंगे x माइनस 3। हमेशा ऊपर के दो स्टेपों में कॉमन लेने के बाद जो नीचे ब्रैकेट आएंगे दोनों, वो दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, इस बात को ध्यान से समझिए। क्या इस बात को ध्यान समझिए, क्यों मैं कह रहा हूं, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, यदि ये दोनों ब्रैकेट आपके हमेशा सेम नहीं मिल रहे हैं तो मान के चलिए आपने ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक की, ठीक भैया। x माइनस 3 क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, इससे इसको भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और यहां दोस्तों इसको भाग करेंगे तो ये भी कैंसिल, तो बचेगा माइनस 2 = 0। इतना करने के बाद भी करना है आगे, तो फैक्टर हो गए, कहा था के गुणनखंड कीजिए, अब इसके करने के क्या करेंगे, जब या यदि लिख लीजिए, यदि लिखें या जब लिखें चलेगा, यहां पर x माइनस 3 = 0, क्या जब x माइनस 3 हमारा कितना 0 हो, तो x बराबर दोस्तों कितना 3 हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट में क्या x माइनस 2 = 0 हो जाएगा, देन x इक्वल टू कितना माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, अतः x बराबर 3 और 2, ये दोनों हमारे आंसर आ गए, x के दो मान आ गए। यहां के गुणनखंड करने कहने जब कहेगा तो यहां 0 नहीं लगा होगा, जैसे यहां खाली कह देता यही, देखिए प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस का 5x + 6 के गुणनखंड कीजिए, तो सिर्फ आपको बराबर में 0 नहीं आता, सिर्फ यहीं तक हो चुका था, और कहेगा को हल कीजिए, यहां लिख लीजिए को हल कीजिए, को हल कीजिए,
ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। समझ गए ना भैया, कर लेंगे ना। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यदि कोई डाउट रह गया हो तो अगले में क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या सेकेंड, ध्यान से समझिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए। जब भी 0 लिखा होगा तो दोस्तों हमें हल करना लिखा होगा, मैंने गुणनखंड वहां लिख दिया था, आपको को लिखा हो हल कीजिए। अब जब भी दोस्तों क्या 0 नहीं लगा होगा तो गुणनखंड कीजिए कहेगा। ये जो मैंने तरीका कर रहे हैं जिस तरीके से, गुणनखंड विधि ही है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 को हल कीजिए, हल करके मतलब हमें x के मान लाना है। ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, जैसे बताया था क्या करते हैं, यहां इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां 1 है यहां 15 तो 15 ही रहेगा, यहां 15 लिख लेते हैं, उसके बाद बराबर लगाएंगे, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, यहां x का गुणांक 2 है उसको 2 लिख लेते हैं, फिर क्या 15 के पहले साइन आएगा माइनस का तो माइनस लगा लेते हैं। अब क्या करना है, 15 के दोस्तों हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि हम गुणा करें तो हमें 15 प्राप्त हो जाए, और क्या यदि घटा दें तो 2 मिल जाए। दोस्तों यदि आपको डायरेक्ट नहीं मिलते हैं तो इसके फैक्टर निकाल लिया करें, इसे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 नहीं 2 से कहां 3 से कटेगा ना, 3 पचे 15 हो गया, 5 इक्कम 5, देखिए यही फैक्टर मिले। अब 5 3 15 होता है, यानी कितना, यहां 5 * 3 कर लें तो 15 हो जाएगा, और 5 - 3 कर लें तो 2 हो जाएगा, 5 * 3 कर लिया तो 15 हो गया, 5 - 3 कर लिया तो 2 हो गया, यानी कि इस 2 की जगह पर हमें कितना 5 - 3 लिखना है। समझ गए, तो ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 - 3 एक्स - 15 इक्वल टू 0। ठीक भैया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस का कितना 5x हो गया, और प्लस माइनस माइनस का 3x और माइनस का 15 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिए x कॉमन मिलेगा, तो इससे इसको भाग करेंगे तो x हो गया प्लस 5, यहाँ माइनस का 3 कॉमन मिला, इससे भाग किया तो 3 कैंसिल, x बचा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 बचे 15। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आए कि नहीं, ये हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 5 यहाँ कॉमन हो गया, तो दोस्तों क्या x माइनस 3 बचा जाके इक्वल टू 0। जब जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो क्या x का कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 5, भाई प्लस का है बराबर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दूसरा दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3 है बराबर हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आता है, x बराबर माइनस का 5 और 3, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक है, कर लेंगे ना, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक ऐसा प्रश्न दोस्तों और बताता हूं, कह रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। जब भी आपको हल करने के लिए कहेगा तो आपको मान निकालना होगा x के, और द्वि घात का होगा तो 2 मान आएगा, द्वि घात ही आपके सिलेबस में है। ध्यान से समझिए, क्या
टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, वही क्या करना है, यहाँ देखिए a के जगह पर इस बार कितना 2 दे रखा है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के पड़ोस में a था, तो a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 5, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर लेंगे, कितना 2 पंचे 10 हो गया। लगा लिया फटाफट मल्टीप्लाई का साइन, x के पहले क्या 7 है, 7 लगा लिया, और 5 के पहले का x का चिन्ह प्लस का, तो प्लस लगा लिया बस। अब 10 के दोस्तों हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यदि हम गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़े तो हमारा 7 आ जाए, तो क्या होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 2 करोगे तो 10 हो जाएगा और 5 + 2 करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2x² + 5 + 2x + 5 = 0, देन भैया क्या हो जाएगा, 2x² + 5x हो जाएगा और प्लस का 2x + 5 = 0 हो जाएगा। भैया मल्टी 5 की x से की तो 5x हो गया, 2 से की तो 2x हो गया। अब ध्यान से यहाँ फिर से कॉमन लेंगे तो देखिए 2 यहाँ कितना कॉमन मिलेगा, सिर्फ x ही तो मिलेगा, x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और x बचेगा प्लस का 5 बचा। यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं मिला, देखिए यहाँ 2x + 5, देखिए हमारा सेम ब्रैकेट यहीं मिला, जो इस ब्रैकेट में लिखा वही यहाँ लिखा 2x + 5। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहां पर 1 कॉमन लिया जाता है, क्या, जब आपको कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो तो वहां पर हम क्या लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 कॉमन ले लिया, कितना होगा 2x + 5 = 0। ठीक भैया, देखिए यहां से 2x + 5 कॉमन हो गया, तो दोस्तों क्या बचेगा नेक्स्ट वेक्टर, x + 1 = 0 हो गया। यदि यदि लिखें या जब लिखें चलेगा, यदि फर्स्ट पार्ट 2x + 5 = 0, तब भैया 2x = कितना, माइनस का 5, प्लस का 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 5, x = -5/2 हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए यहां पे कर दूं, सेकेंड पार्ट कितना x + 1 = 0, देन x = कितना -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः x = -5/2 और -1, दोस्तों ये हमारे आंसर हो गए। इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन, चार नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से भैया देखिएगा, x² + 7x + 10 = 0 को हल कीजिए, जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला पांच नंबर, x² - 7x + 12 = 0, इसको भी दोस्तों जैसे लगाया है वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला कह रहा है 6 नंबर प्रश्न, कह रहा है x² - 3x - 10 = 0 को हल कीजिए, जैसे ही लगाया है इन सभी प्रश्नों को वैसे सॉल्व करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों 7 नंबर आपसे कह रहा है, 3 प्रश्न हमने होमवर्क में दिए हैं, कह रहा है 100x² - 20x + 1 के गुणनखंड कीजिए। देखिए अब इसके पे गुणनखंड करना है, कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। भैया ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, क्या 100x² - 20x + 1 इसके फैक्टर करने हैं, तो दोस्तों वही कहानी इसमें भी करनी होगी, a की मल्टीप्लाई c से करेंगे, भाई a क्या x स्क्वायर का गुणांक तो 100 है, c क्या कांस्टेंट है, अचर पद है 1 है, तो 100 × 1 दोस्तों 100 हो जाएगा। फटाफट से अलग से लिख लेते हैं, तो ये 100 हो गया, बराबर लगा लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। उसके बाद x का गुणांक कितना दोस्तों 20 है, साइन से कोई मतलब नहीं रहता है, और 1 के पहले का ऐसा साइन है प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। ठीक भैया, अब देखिए 100 के ऐसे फैक्टर करें, यदि हम गुणा करें तो 100 आ जाए और जोड़े तो हमारा 20 आ जाए, तो 10 × 100 होता है, यानी कि 10 + 10, 10 × 10 100 हो जाएगा और 10 + 10 = 20 हो जाएगा।
समझ गए। यदि आपको ये नहीं समझ कि सर आप कैसे जान जाते हैं, तो आप इस तरीके से फैक्टर कर लीजिए। देखिए दो पंचे दस जीरो हो गया, दो से काटा दो दूना चार, दो पंचे दस, फिर पाँच से काटा पाँचम पच्चीस, और पाँचम पाँच एकम पाँच हो गया। देखिए इस दो की मल्टीप्लाई पाँच से किया तो दो पंचे दस हो गया, और इस दो की पाँच की मल्टीप्लाई दो से किया दो पंचे दस, यहाँ भी दो पंचे दस, यहाँ भी दो पंचे दस हो गया। ये आपको ढूंढने पड़ेंगे यहाँ से, जब फैक्टर करें उसके बाद आपको अपने आप से अरेंज करने होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पर हम रखते हैं, इस 20 की जगह पर ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 20 की जगह 10 प्लस 10 एक्स प्लस 1। तो भैया कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ बराबर लगेगा क्योंकि वहाँ बराबर लास्ट में था, यहाँ नहीं तो लगा सकते हैं। तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस कितना 10x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 10x हो गया और प्लस 1, ठीक है। फिर से वही कहानी, कॉमन लेना होगा, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। देखिए 10x कॉमन मिलेगा भाई, 10 इसको भाग करेंगे 10 दहम 100 10 हो गया जाके, और एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो x बचा जाके, 10x को 10x से भाग करेंगे तो पूरा गया, तो कितना माइनस का 1 बचा जाके। देखिए यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस का क्यों लेंगे क्योंकि हमें यहाँ क्या लेना ना, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का कॉमन ले लेंगे तो प्लस ही बना रहेगा, और हमें लाना क्या माइनस में, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम करने होते हैं। तो एक कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 10x हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 1 होगा। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, तो दोस्तों क्या आया हमारा फाइनल आंसर, बस आ गया। अब देखिए फिर से कॉमन मिल गया 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 10x माइनस 1 हो गया। ये दोस्तों हमारे फैक्टर हो गए, कितने आसान है कि नहीं। चलिए फटाफट कर लीजिए, कर लेंगे ना इसे। तो 8 नंबर देखिए, 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, यहां से देखिएगा 8 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है, के गुणनखंड कीजिए। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, सोलह एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, या 0 हटा दीजिए पहले इसके, 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 25 के गुणनखंड कीजिए। ध्यान समझिए इसको कैसे करेंगे, देखिए ये भी आसान है। क्या कहा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 के गुणनखंड कीजिए, कैसे करेंगे, 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 25। दोस्तों क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी पढ़ रखी, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी को आपने सीखा है कि नहीं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिए, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ x का स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे तो 4x का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का 5 स्क्वायर हो गया। अब ध्यान समझिए, इससे मैच करिए, यहां देखिए ए स्क्वायर है, यहां ए की जगह कितना 4x है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहां ए स्क्वायर है, इस ए की जगह पर 4x है, और यहां बी स्क्वायर है, इस बी की जगह पर 5 है, यानी कि क्या होगा, ए माइनस बी, यानी कि इसके आधार पर यहां कितना होगा, ए माइनस बी लिखा हो, ए की जगह पर यहां कितना दोस्तों 4 है, 4x है, तो 4x और माइनस का 5 हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह पर कितना 4x और बी की जगह पर कितना 5 प्लस का 5, बस हो गया। है आसान कि नहीं आसान, कोई दम है इसमें, कर लेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10 आपसे कह रहा है, 64 एक्स स्क्वायर माइनस का 49 के गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे करना, एक और समझ लीजिए, 64 एक्स स्क्वायर माइनस 49 के गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे, 64 को दोस्तों 8 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर हो गया, और 49 को दोस्तों 7 का स्क्वायर हो गया, यानी कितना 8x का होल हाफ स्क्वायर हो गया माइनस का 7 का स्क्वायर। ए की जगह 8x हो गया और बी की जगह 7 हो गया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा,
एट एक्स माइनस सेवन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में एट एक्स प्लस सेवन हो जाएगा, बस हो गया है कि नहीं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 121 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 कह रहा है 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 25 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए। तो दोस्तों आसान है कि नहीं आसान है। अगला देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 13 आपसे कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस का 49 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। को हल कीजिए। इस बार आपको क्या करना है, हल करना है। कैसे करेंगे इसको, 4x स्क्वायर है माइनस का 49 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक दोस्तों, सो क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 49 की जगह पर क्या ले सकते हैं 7 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से वही आइडेंटिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, पर उसकी जरूरत नहीं यहां पर। 2x का होल हाफ स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, या यहां से 4 हटा दीजिए, खाली x स्क्वायर माइनस 49 करिए, कितना करिए x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0 को हल करिए। तो x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0 तो कितना, x स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, या इसको भी हटाइए, ये कितना हो गया 49। अभी 2x वाला भी कराएंगे, आप ध्यान समझिए x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49 है कि नहीं, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चल जाएगा कि नहीं, यानी कि x बराबर दोस्तों प्लस माइनस 7 आ गया, है कि नहीं, है आसान कि नहीं आसान। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला अब दोस्तों यदि यहां पर क्या 4x स्क्वायर लिखा होता प्रश्न संख्या 4, तब क्या करते, यही सेम होता है, यहां 4x स्क्वायर लग जाता तब क्या करते भैया, ध्यान समझिएगा, ये हो गया ना। देखिए सब एक ही नंबर में खूब पूछे जाते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। तो देखिए 4x स्क्वायर हमारे पास ऐसे रहेगा, 49 को बराबर के उधर ले जाए तो प्लस का 49 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 बटे 4। ठीक है, अब ध्यान समझिए यहां से x बन निकालेंगे तो x बराबर अंडर रूट कितना 49 बटे 4 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए x बराबर अंडर रूट से बाहर कितना आएगा, प्लस माइनस कितना 49 बटे 4 है ना, तो यानी कि इतना 7 बटे 2, भाई 7 सती 49 तो 2 4 तो यही आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट करिए, समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर इक्वल टू 49 ये हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस लगा लेते हैं और ये हमारी कहानी खत्म यहाँ तक। तो है कि नहीं आसान, पिछले भी क्वेश्चन में यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिएगा। चलिए फटाफट कर लीजिए। अगला प्रश्न संख्या 15 ध्यान से देखिएगा, 100x स्क्वायर माइनस का 121 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। जैसे इसको मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। है दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान, आपको बस अच्छे से समझना है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप गुणनखंड करना अच्छे से सीख चुके होंगे, कैसे हम फैक्टर करते हैं वो आप अच्छे से जान चुके हैं।
और कैसे हम समीकरण जो हमारे द्विघात समीकरण दे रखी है उसको हल कैसे करते हैं वो भी समझ चुके हैं। यानी कि मैंने आपको गुणनखंड करना भी सिखा दिया और हल करना भी सिखा दिया। कल की क्लास में दोस्तों आगे चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।